नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने टेक्निकल खेती चैनल। दोस्तों आज अपन बात करेंगे चने की खेती के बारे में कि बुआई कब करें, बीज उपचार कैसे करें, बीज उपचार के क्या फायदे हैं, कितनी सिंचाई चने की खेती में अपने को करनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कैसे करें, चने में लगने वाले विभिन्न रोग, इन सभी की बात डिटेल से आज यहाँ पर करेंगे और चने की खेती के बारे में A to Z जानकारी यहाँ पर आज आपको दी जाएगी। चलो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं खेत की जुताई की। खेत की गहरी जुताई दोस्तों आपको करवानी है क्योंकि चने की जड़ें जमीन की गहराई तक जाती हैं, तो गहरी जुताई अच्छी रहती है। उसके बाद अगर आप डालना चाहो गोबर वाली खाद, तो आप गोबर वाली खाद डालकर उस पर एक दो बुआई कल्टीवेटर या रोटावेटर से करवाकर खेत को समतल करवा लें। आगे किसान भाइयों बुआई की बात करें तो चने की बुआई 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप कर सकते हो। बीज की मात्रा की बात करें तो भाइयों लगभग 65 किलो प्रति हेक्टेयर चने की खेती के लिए आवश्यकता बीज की रहती है और बड़े वाले चने या काबुली चने की खेती के लिए 80 से 85 किलो बीज की आवश्यकता रहती है। बीज की मात्रा आप दोस्तों किस्म के अनुसार, वेराइटी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आप रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। बीज उपचार की बात करें तो भाइयों बीज उपचार आपको जरूर करना है ताकि बीज का अंकुरण अच्छे से अच्छे हो और रोग मुक्त पौधा जमीन से बाहर निकले, फसल की प्राइमरी स्टेज में कोई भी रोग अपनी फसल पर अटैक न करें। बीज उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 63% से आपको बीज उपचारित करना है। दोस्तों आप करना चाहो तो कीटनाशक दवाई से भी बीज का उपचार जरूर करें। इसके लिए आप 5 ml क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC का उपयोग कर सकते हो। इससे दीमक सफेलट का शुरुआती स्टेज में अपनी फसल पर अटैक नहीं होगा, तो आप बीज उपचारित जरूर करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने टेक्निकल खेती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक पर भी जरूर जुड़े, फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। और दोस्तों जो आपको ये दवाइयाँ बताई गई है ये किसान भाइयों ज्यादा महंगी नहीं है और इनकी मात्रा भी कम ही चाहिए, सो ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी मेडिसिन यूज करो लेकिन बीज उपचारित जरूर करो ताकि अच्छी पैदावार अपने को मिल सके। अब बात करेंगे भाइयों सिंचाई और उर्वरकों की। यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है भाइयों, लगभग किसान भाई इसी जगह गलती करते हैं। भाइयों चने की फसल के लिए वैसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर एक सिंचाई करना चाहते हो और वो सही समय पर करो तो फिर ऑटोमेटिक अच्छा उत्पादन मिलेगा। सिंचाई कम करो लेकिन सही समय पर करो। किसान भाइयों अगर आप एक ही सिंचाई करना चाहते हो तो चने की फसल जब 30 से 35 दिनों की हो जाए तब आप सिंचाई करो। अगर आप दो सिंचाई करना चाहते हो तो पहली सिंचाई जब फसल 20 से 25 दिनों की हो जाए तब आप पहली सिंचाई करो और दूसरी सिंचाई फूल आने के बाद जब फल बनना शुरू हो जाते हैं तब करो। किसान भाइयों बहुत ही अच्छा उत्पादन अपने आप मिलेगा। अब बात करें किसान भाइयों उर्वरकों की, तो चने की खेती में यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है और किसान भाइयों चने के पौधे की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, नाइट्रोजन बनाने का कार्य करता है। वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को ये राइजोबियम जीवाणु पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें किसान मित्र कीट भी कहा जाता है और इसी कारण चने के पौधे को ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रहती है, पौधा अपने आप नाइट्रोजन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर से कर लेता है। दूसरे उर्वरकों की बात करें तो आप NPK या DAP का उपयोग कर सकते हो, लेकिन DAP अगर आप देना चाहते हो तो बुआई से पहले, क्योंकि DAP बुआई से पहले ही काम देता है, DAP आसानी से नहीं गलता है, तो अपने को यहाँ देना है NPK और NPK में पोटाश की मात्रा भी अच्छी होती है तो आपकी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो किसान भाइयों पहली सिंचाई के साथ NPK देना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे चने के विभिन्न रोगों के बारे में और उनकी दवाइयों के बारे में, और दोस्तों टाइम टू टाइम आपको सभी फसलों की जानकारियां यहां पर देते रहेंगे। जब जरूरत जिस चीज की होगी वैसा वीडियो आपको यहां मिलता रहेगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमसे जरूर जुड़े। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।